जब हम अपने माँ बाप की जिंदगी में आए तो सबने बड़ी खुशियां मनाई, किसी ने तोहफे दिए तो किसी ने मिठाइयां बांटी। हमारा जिंदगी का एक एक दिन गिना जा रहा था। फिर जिंदगी के दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। हमने बोलना और चलना भी शुरू कर दिया। थोड़े बड़े हुए तो स्कूल जाने लगे। कद बढ़ते बढ़ते अम्मी अब्बू के बराबर हो गया। जवान हुए और कुछ दिन न गुजरे कि हमारी शादी हो गई। फिर हम माँ बाप बन गए और हमारे वालदैन दादा दादी और नाना नानी। यूं जिंदगी का सफर तय होता गया। हम जवान होते गए और हमारे वालदैन बूढ़े। इनका जिस्म झुकने लगा, वो बीमार रहने लगे और फिर वो हमें छोड़कर चले गए। अगली बारी हमारी है और एक दिन हम भी यूं ही अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे। गोया जिंदगी एक सफर है और हम सब मुसाफिर। कुछ देर मुसाफिर साथ साथ होते हैं, फिर बारी बारी अपनी मंजिल को पहुंचते जाते हैं। जिंदगी का सफर चलता रहता है और मुसाफिर बदलते रहते हैं, लेकिन हम नादानी में सफर ही को मंजिल समझ बैठते हैं। देखिए तो सही, हमने सफर के दौरान बड़े बड़े घर बनाए, जायदादें जमा की, सल्तनत और इख्तदार के लिए जुल्म किए, लेकिन एक दिन इन सब को छोड़कर हमें चले जाना है। हमारी मिसाल उस मुसाफिर की सी है जो दो दिन को सफर पर निकले लेकिन सात सामान 2 साल का बांध ले। जिंदगी की नापायदारी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत नसीहत के साथ समझाकर समंदर को कूजे में बंद कर दिया। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि अजनबी हो या एक मुसाफिर। बचपन, जवानी, अधेड़ उम्र और बुढ़ापा, ये सब सफर के गुजरते स्टेशन हैं जो मुसाफिर को बताते रहते हैं कि आखिरी स्टेशन बस आने ही वाला है। इन गुजरते स्टेशनों से हम ये धोखा ना खाएं कि अभी बड़ा सफर बाकी है। सफर बड़ा कलील है और मंजिल आया ही चाहती है। बस अकलमंद मुसाफिर वो है जो कलील ज़ादेराह के साथ मंजिल के हुसूल में कोशा रहे, जिसका हुसूल अल्लाह की खालिस बंदगी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तेबा में है।